करनाल में गुरु नानक देव जी के 550वें साल गुरु पूर्व को लेकर हर गुरुद्वारे में रौनक देखने को मिल रही है और संगत सुबह से ही गुरु घर में जाकर माथा टेक रही है। जहां गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पूर्व की जहां सुल्तानपुर लोधी और डेरा बाबा नानक में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जहां श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच सके वह अपने गुरुद्वारों में जाकर कीर्तन सुन रहे हैं और गुरु नानक देव जी की गुरुवाणी का गुणगान कर रहे हैं। करनाल में डेरा कार सेवा निर्मल कुटिया गुरुद्वारा मंजी साहिब और उसके साथ साथ जितने भी गांव में लोकल गुरुद्वारे हैं उन सभी में गुरु पूर्व की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं श्रद्धालुओं का भी कहना है कि गुरु नानक देव जी की किसी एक समाज के गुरु नहीं थे, वह तो एक मानवता का संदेश देने वाले गुरु थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख सभी को ही मेहनत कर और सबके साथ मिलकर ब्रह्म सकृतिकार और नाम जपने का संदेश दिया था। करनाल निर्मल कुटिया में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि गुरु नानक देव जी ने 550 साल पहले जो मानवता के लिए किया था वह कोई नहीं कर सकता और गुरु नानक देव जी की किसी एक के संत नहीं थी, वह सारी मानवता के संत थे और उन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी। रुपए 20 का लंगर साधुओं को छुपाया था, उसी से ही आज तक जितना भी आप देख सकते हैं कि लंगर चल रहे हैं। उनका कहना था कि हम सुल्तानपुर लोधी भी जाकर आए हैं, वहां के भी दर्शन किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा और हम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व पर पूरे विश्व को बधाई देते हैं। जी हाँ, जिला कि सारे हिंदुस्तान तो लेके बाहरले दिशा तक ही मनाया जा रहा है तो बड़ी श्रद्धा तो बड़ी आस्था के नाल ये सारे ही समाज के सारे वर्ग सारे धर्म सारे ही जुटे हुए ने। गुरु नानक देव जी जे महापुरुष हैं जोड़े सारे कायनात के समलो कायनात के ही मालक सन, जोड़े अकाल पुरख के सच्चे दूत सन, उन्होंने प्रकाश दिवस का दिहाड़ा आ रहा है जेड़े कि सानू सारयां इस दिवस से बधाई भी देनी चाहिए तो सारयां ये शामिल ही होना चाहिए। निर्मल कुटिया भी मनाया जा रहा है, निर्मल कुटिया नाल बड़े जोर शोर में मनाया जाता हर साल की तरह, इस बारी जरा होर ही जोर शोर वध्या होया पब्लिक का भी दुनिया का उन्हां दा मैनेजमेंट का सब की तरफों बड़े अच्छे पाठ तो लैके होर प्रसाद लंगर अटूट वरताया जा रहा है।